Hi guys, welcome again. I'm J.S. Yadav and in today's video, we will discuss another close test. आज की वीडियो में हम दूसरा क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे. जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपको बताया था कि क्लोज टेस्ट को करते समय किन बातों का ध्यान रखना है. तो अगले सारे वीडियोस देखने के लिए, क्लोज टेस्ट के अगले सारे वीडियोस देखने के लिए आप पहला जो वीडियो है मेरा क्लोज टेस्ट का उसे जरूर देखें. ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, देखना समझना शुरू करते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले गाइस, जैसा मैंने बता रखा कि हम पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं. तो ठीक, आपके सामने ऑप्शंस आते हैं. ये आप देखेंगे हमारे पास फिर से 40 वर्ड्स हैं, 40 शब्द हमारे पास है, 40 ऑप्शंस हैं. इनमें से 10 फिल होंगे कहानी में, क्योंकि फिर से क्लोज टेस्ट 10 ब्लैंक्स का है. और हर एक ब्लैंक को फिल करने के लिए, हर एक ब्लैंक को फिल इन द ब्लैंक को फिल करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे. तो चलिए पहले आप ऑप्शंस को देख लेंगे और वहां पर वीडियो को पॉज कर लेंगे. एक बार आप पेशेंटली उन्हें पढ़ लेंगे कि इनमें से सारे ऑप्शंस आपको आते हैं या नहीं आते हैं. ठीक है, तो चलिए इन्हें आप देखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं. राइट गाइज, आपने देख लिया होगा, ऑप्शंस पढ़ लिए होंगे. ऑप्शंस हैं ये, मैं आपके साथ पढ़ता हूं. पहला लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्शन, दूसरा लिखा हुआ है क्रिएशन, तीसरा लिखा हुआ है फॉर्मेशन, फिर लिखा है बैलेंस, क्वांटिटी, नंबर, साइज, वेट. थर्ड में हमारे पास है फ्रॉम, टू, एट, इन. फोर्थ में हमारे पास है लेस और देन रादर. फिफ्थ में हमारे पास है एनवायरमेंट, ट्रीज, नेचर, ग्राउंड. सिक्स में फूड, एनर्जी, ट्रेजर, लैंड. सेवन्थ में हमारे पास है आर और अवर, जो भी बोलते हैं आप, दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन इसके. आर, अप, फॉर, ऑन. एट्थ हमारे पास है वंस, लार्जली, बोथ, रियली. नाइन्थ में हमारे पास है ऑप्शंस फर्टिलाइज, नरिश, सी, डैमेज, डी, कॉज. टेंथ में हमारे पास है इम्प्रूवरिश, इम्प्रूव, रूइन और इंडल्ज. तो ये तो हो गए ऑप्शंस. आई होप आपको इनमें से सारे आते होंगे या हो सकता है एक दो नहीं आते होंगे. देखिए बार बार आपको ऑप्शंस के बारे में बताना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि क्लोज टेस्ट पार्ट को जब हम करते हैं तो वकैब और ग्रामर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो चलिए अब हम करना शुरू करते हैं. आपने पढ़ लिया होगा, हो सकता है एक दो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं तो दैट्स नॉट अ बिग इशू एट ऑल, हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. लेकिन पता चला आते एक दो हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं. तो ये तो हो गया ऑप्शंस, हमने सारे पढ़ लिए. चलिए अब हम आते हैं क्लोज टेस्ट की कहानी को देखते हैं. देखेंगे हमारे पास क्लोज टेस्ट ये लिखा हुआ है. राइट, चलिए तो क्लोज टेस्ट को पढ़ते हुए चलेंगे. हमें पेशेंटली पढ़ना है. कैसे, क्या करना, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं. इन्हें करना शुरू करते हैं. लिखा है आंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द, आंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ऑफ नेचर. यानी चींटियां नेचर के इस काम में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं. तो अब बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करती हैं वो, यानी जो चींटियां वो क्या करती हैं. ऑप्शंस देखेंगे हमारे पास डिस्ट्रैक्शन पहला, दूसरा है क्रिएशन, तीसरा है फॉर्मेशन और चौथा है बैलेंस. राइट गाइस, अब देखने वाली बात यह है कि क्या आप अभी कुछ फिल कर सकते हैं. मैंने पहले ही बताया कि जब तक आप श्योर ना हो आप इसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं. देखिए इसका पता चलेगा ठीक अगली लाइन में. पढ़ते हैं क्लू क्या दिया हुआ है. दे ईट अ लार्ज, ऑप्शंस में क्या क्या हमारे पास है, क्वांटिटी, नंबर, साइज और वेट. तो अ लार्ज जो हमने लिखा है और जो बाद में इंसेक्ट्स लिखे हुए ये काउंटेबल हैं. तो काउंटेबल चीज़ों के लिए हम क्वांटिटी ना लेकर के क्या लेते हैं, नंबर लेते हैं. साइज की बात नहीं कर रहे हैं ना उनके वेट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर की. तो फिलहाल तो यहाँ क्या आएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स एंड सो हेल्प कीप देम. यानी चींटियाँ जो हैं बहुत बड़ी संख्या में कीड़ों को खा जाती हैं. एंड सो हेल्प कीप देम, और इससे मदद होती है, मदद मिलती है कीप देम फ्रॉम बिकमिंग टू प्लेंटीफुल. और ऐसा करके चींटियां जो हैं उनकी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकती हैं. तो यहाँ देम फ्रॉम बिकमिंग टू प्लेंटीफुल. ठीक है, यहाँ दो बातें समझ में आई आपको. वहाँ लिखा आपने नंबर, दूसरे में क्या फिल किया गाइस, नंबर, और तीसरे में फिल किया आपने क्या, फ्रॉम बिकमिंग टू प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा होने से उन्हें रोकती हैं. अच्छा, ये जो काम कर रही चींटियाँ ये भला क्या कर रही हैं. अब आप पहले को देखें, मैंने बार बार कहा क्लू पैसेज में ही होता है. अब आप देखेंगे कि चींटियाँ क्या करती हैं, नेचर में डिस्ट्रैक्शन का काम कर रही हैं, क्रिएशन कर रही हैं, फॉर्मेशन कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं. अभी आपको पता चला बहुत बड़ी संख्या में कीड़ों को खाकर चींटियाँ क्या करती हैं, उनकी संख्या को बैलेंस करती हैं, बढ़ने से रोकती हैं. तो पहले फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, पहले फिल इन द ब्लैंक को फिल करने के लिए क्लू हमें आगे जाकर मिला. तो हम यहाँ लिखेंगे आप बैलेंस. Ants play an important part in the balance of nature. चींटियाँ प्रकृति को संतुलित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और वो कीड़ों को बहुत अधिक संख्या में खाती हैं जिससे उनकी संख्या को बहुत ज़्यादा होने से वो रोकती हैं. फिर आगे क्या लिखा हुआ है, In the tropics, ants eat more. ट्रॉपिक्स में चींटियाँ खाती हैं मोर. मोर एक सीडी है, मच मोर, मोस्ट, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री. और किसी भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमारे पास दैन आता है. क्या था गाइस, दैन, टी एच एन, दैन. तो देखेंगे फोर्थ में क्या आएगा, आंट्स ईट मोर दैन, टी एच एन वाला दैन ले लेंगे, सी ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर. मोर देन हाफ द टर्माइट हैच्ड ईच ईयर, यानी आधे से ज़्यादा टर्माइट्स दीमकों को बोलते हैं, उन्हें वो खा जाती हैं. डेटा में क्लियर,
मोर के बाद देन आया, पहले में बैलेंस आया और फिर हमने सेकंड में क्या लिया, लार्ज नंबर लिया, थर्ड में फ्रॉम बिकमिंग टू प्लेंटीफुल। चींटियों के बारे में सब कुछ यहाँ अच्छा बताया जा रहा है। राइटर चींटियों को हमारे लिए बहुत यूजफुल, बहुत फायदेमंद, बहुत अच्छा क्रिएचर यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, उसे डिस्क्राइब कर रहा है। अब आगे चलते हैं। आंट्स इन आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर बर्ड्स, एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। आंट्स इन फिफ्थ में चार ऑप्शन हमारे पास, एनवायरमेंट, ट्रीज, नेचर और ग्राउंड। गाइज फिफ्थ में आपके लिए छोड़ूंगा, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आप कमेंट करेंगे और फिफ्थ में बताएंगे कि ऑप्शन कौन सा आएगा, ध्यान से समझेंगे। और सिक्स की तरफ बढ़ता हूं मैं, कैसे पता चलेगा, देखो आंट्स इन आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर बर्ड्स। आंट्स इनमें, इनमें क्या जो ब्लैंक आएगा उसे आप समझेंगे, इनमें पक्षियों का बहुत बड़ा या बहुत मुख्य स्रोत होते हैं। किस चीज का स्रोत होते हैं, किस चीज का इंपॉर्टेंट सोर्स है चींटियां पक्षियों के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ो। मैंने कहा ना क्लू मिलता रहेगा, जब तक श्योर ना फिल नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि क्या आना चाहिए। कैसे देखा आपने, लिखा है फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड मेनी अदर एनिमल्स आल्सो फीड, फीड, फीड टेक्स द प्रपोजिशन ऑन, फीड के साथ क्या आता है गाइस, ऑन आता, तो यहां आएगा ऑन। अच्छा हमने बात क्या की, यानी फ्रॉग्स का मतलब मेंढक, लिजर्ड्स का मतलब क्या होता है गाइस, छिपकली, ठीक है, एंड मेनी अदर एनिमल्स, और कई और पशु जो होते हैं फीड मतलब करते हैं, भोजन करते हैं, खाने के लिए निर्भर होते हैं, किन पर, चींटियों पर। अगली लाइन से क्लू मिला कि फ्रॉग्स, लिजर्ड्स और कई जानवरों के लिए जो चींटियां होती हैं भोजन स्रोत होती हैं, भोजन के लिए ये जो जानवर हैं इन पर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। इसलिए छठवें में क्या आना चाहिए, क्या पता चला आपको क्लू से, क्या पता चला गाइस, बिल्कुल ये पता चला कि जो चींटियां होती हैं वो पक्षियों के लिए भी इंपॉर्टेंट। सिक्स में चार ऑप्शंस हैं, फूड सोर्स, एनर्जी सोर्स, ट्रेजर सोर्स या लैंड सोर्स। तो क्या आएगा, यहां आएगा फूड सोर्स, इज क्लियर। अगली लाइन को बढ़कर पता चला फूड सोर्स आना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। आंट्स आर हेल्पफुल एंड हार्मफुल, एट में फिल इन द ब्लैंक हमारे पास है, चार ऑप्शन है एट में। वंस, लार्जली, बोथ एंड रियली। तो गाइज यहाँ क्या आना चाहिए, अब आपको पता होगा अपने कंजक्शन में पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया कोरिलेटी कंजक्शन में पढ़ाया जाता है कि बोथ के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, लेकिन हम यहाँ चींटियों की पॉजिटिव चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो चींटियाँ क्या होती हैं, आंट्स आर बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल, चींटियाँ दोनों ही तरह का रोल प्ले करती हैं, ये हेल्पफुल भी होती है, हार्मफुल भी होती हैं। तो आप क्या देखेंगे एट में गाइज, देखेंगे एट में क्या आ जाएगा, बोथ आ जाएगा, बोथ हेल्पफुल एंड हार्मफुल टू फार्मर्स, किसानों के लिए, चींटियाँ किसानों के लिए हार्मफुल भी हैं, हेल्पफुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, तो बोथ लिया जाएगा। फिर क्या लिखा आपने, सम काइंड्स ऑफ आंट्स एड फार्मर्स बाय किलिंग इंसेक्ट्स, कुछ तरह की चींटियाँ जो होती हैं एड मदद करती हैं, एड का मतलब मदद करती हैं फार्मर्स किसानों की। कुछ तरह की चींटियाँ जो होती हैं, कुछ स्पेसिफिक काइंड्स होते हैं चींटियों के जो कि किसानों की मदद करती हैं बाय किलिंग इंसेक्ट, उन कीड़ों को मारकर, उन कीड़ों को मारकर कुछ स्पेसिफिक जो हैं कुछ चींटियाँ किसानों की मदद करती हैं। देखिए अगर कुछ चींटियाँ किसानों की मदद कर रही हैं कीड़ों को मारकर, तो जाहिर सी बात है वो कीड़े जिन्हें वो मार रही हैं, अगर मारने से किसानों की मदद होती है तो जाहिर सी बात है वो कीड़े किसानों के लिए हार्मफुल रहे होंगे। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, समझ के बात को, दैट नाइन्थ में क्या ऑप्शन हैं, फर्टिलाइज, नरिश, डैमेज और कॉज, समझना। तो जाहिर सी बात है चींटियाँ उन्हें मारकर किसानों की मदद करती हैं, इसका मतलब कीड़े उनके लिए नुकसान करते होंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट, अब हम यहाँ फर्टिलाइज, नरिश, फर्टिलाइज आपको पता है उर्वरक बना देना, नरिश मतलब पालन पोषण करना, और डैमेज मतलब नष्ट कर देना, कॉज का मतलब कुछ का, कुछ करने का, कुछ होने का रीजन बनना। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या आएगा, डैमेज आ जाएगा। डिजाइन मेक इट क्लियर, चींटियाँ कुछ तरह की चींटियाँ उन कीड़ों को मारकर किसानों की बहुत मदद करती हैं, वो कीड़े जो फसलों को डैमेज कर देते हैं। तो नाइन्थ में गए हमने क्या लिया, डैमेज ले लिया। हम इस पूरे पैसेज में, यहाँ राइटर पूरे पैसेज में आंट्स के पॉजिटिव साइड को दिखा रहा है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है आंट्स दैट डिग अंडरग्राउंड नेस्ट, वो चींटियाँ जो अंडरग्राउंड नेस्ट मतलब रहने के लिए जगह बनाती हैं, जो रहने के लिए भूमिगत रहती हैं, जमीन के नीचे रहती हैं, वो सॉइल को क्या करती हैं। फिर मैंने कहा जल्दबाजी दिखाने की, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या करती हैं, चार ऑप्शन पढ़ लेते हैं गाइस। हमारे पास लिखा है इम्पोवरिश, इम्प्रूव, रूइन और इंडल्ज। इंडल्ज मतलब किसी गलत एक्टिविटी में पड़ जाना, इम्प्रूव का मतलब बेहतर करना, रूइन का मतलब बर्बाद कर देना, इम्पोवरिश परेशानी लाना, इम्प्रूव का मतलब दरिद्रता लाना, परेशानी पैदा करना। तो क्या करती हैं वो चींटियाँ जो जमीन के नीचे रहती हैं, जरा देखेंगे समझेंगे। अगली लाइन पढ़ो जरा, लास्ट लाइन पैसेज की, दे ब्रेकअप, वो तोड़ देती हैं, लूजन थोड़ा लूज करती हैं, एंड मिक्स द सॉइल, और सॉइल को मिक्स कर देती हैं। ऐसा करने से जो चींटियाँ जमीन के नीचे रहती हैं वो सॉइल को मिक्स कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं और लूज कर देती हैं, जिससे कि हवा पानी आसानी से जा सके। तो ऐसा करने से चींटियां क्या कर रही हैं किसान के लिए, जाहिर सी बात है ऐसा करने से चींटियां किसानों की मदद कर रही हैं या
मिट्टी को अच्छा कर रही हैं, वो रुइन नहीं कर रही, बर्बाद नहीं कर रही, वो इंडल्ज किसी गलत चीज़ में नहीं जा रही हैं, इंडल्ज है ना सॉइल को तो इंडल्ज नहीं कर रही, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन बचेगा इंप्रूविश भी नहीं होगा, ये नेगेटिव है, रुइन नेगेटिव है, इंडल्ज भी नेगेटिव है, और पॉजिटिव साइड बात कर रहे थे आंट्स की, इसलिए क्या आएगा इंप्रूव आएगा, ठीक है। तो आंट्स दैट डिग अंडरग्राउंड नेट्स इंप्रूव द सॉइल, दे ब्रेक अप लूजन एंड मिक्स द सॉइल। तो आई होप गाइज ये 10 के 10 फिल इन द मैक्स आपको समझ में आगे होंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइमिंग, इट विल बी ऑल फॉर माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड जॉइनिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच, माई नेम इज जे एस यादव, थैंक यू।